अमेरिका में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले के चर्चे हो रहे हैं। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो भी भारतीय अदालत में जारी इस मामले को देख रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों पर साझा प्रतिबद्धता को लेकर जुड़ा हुआ है। भारत में राहुल की संसद सदस्यता जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और हम भारतीय अदालतों में जारी मिस्टर गांधी के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल को शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पटेल ने कहा, हम हमारे दोनों लोकतंत्रों को मजबूत करने के अहम पहलू के तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी समेत लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों की सुरक्षा की जरूरतों को दिखाना जारी रखते हैं। जब पूछा गया कि क्या इस मामले में अमेरिका भी भारत सरकार या राहुल के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा, इस बारे में विशेष तौर पर बताने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जिस भी देश से हमारी द्विपक्षीय संबंध हैं, वहां के विपक्षी दलों के साथ संपर्क में रहना हमारे लिए सामान्य है, लेकिन इस मामले में विशेष रूप से बताने के लिए कोई बात नहीं है। शुक्रवार को सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाया था। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। दरअसल ये मामला साल 2019 की कर्नाटक में हुई एक रैली से जुड़ा हुआ था, जहां राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई थी। राहुल ने कहा था, अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, थोड़ा अभी और ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था, 100% चौकीदार चोर है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है, आपके जेब में से पैसे लेते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। मानहानि के मामले में सजा के कारण लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले राहुल को अब सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की तरफ से सरकारी बंगला खाली करने के संबंधी नोटिस भेजा गया। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सांसद बनने के बाद 12 तुगलक लेन का बंगला आवंटित किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।